नवरात्र के दौरान अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की गतिविधियां और तेज हो गई हैं। आज प्रातः काल में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और विराजमान श्री रामलला की आरती की और देश में शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। साथ ही कोरोना काल में पूरी दुनिया के लोगों के लिए जल्द स्वस्थ होने के लिए कामना की। इससे पूर्व सोमवार की संध्या में आदेश गुप्ता सरयू तट पर हो रहे विराट अयोध्या की रामलीला मंचन के साक्षी बने। रामलीला में सीता जी का भव्य स्वयंवर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तत्पश्चात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव व विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय के साथ अहम चर्चा की गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, दिल्ली भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार उपस्थित थे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि श्री राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद मुझे श्री राम लला के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर निर्माण कारक सेवकों के त्याग, सेवा, समर्पण, धैर्य का ऐतिहासिक परिणाम है। श्री राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होता देख सुख की अनुभूति हो रही है। ये है DID में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए शाम तक।